This conference will now be recorded. तरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय चार श्लोक क्रमांक 13 स्वेदोपक गण शोभांजनक एरंड अर्क वृश्चिर पुनर्नवा यव तिल कुलत्थ माश बदराणी इति दशमानी स्वेदोपगानी भवंती। अभी इनमें जितने भी द्रव्य हैं स्वेदोपगाने ये प्रायः हमें सब परिचित है। शोभांजन यानी सुगुरु, एरंड अर्क, वृष्टिर यानी पुनर्नवा, यव तिल कुलत्थ माश बदराणी दशमानी स्वेदोपगानी भवंती। अब हमें देखना है चरक सूत्र स्थान अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 16। अध्याय का नाम है अथा तो लंघन प्रुंगनीय अध्यायम व्याख्यास्यामः। ये लंघन प्रुंगनीय ये धातु साधित विशेषण है, तो धीर प्रत्यय लगाकर किया हुआ प्रत्यय लगाकर किया हुआ विशेषण है, विद्यार्थक विशेषण है, करने योग्य करने वाला। उसने यहाँ पर स्वेद्य द्रव्यों का द्रव्यों के गुण बताए हैं, वो पढ़े उष्णम पढ़ो। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 22 श्लोक क्रमांक 16 उष्णम तीक्ष्णम सरम स्निग्धम रुक्षम सूक्ष्मम द्रवम स्थिरम द्रव्यम गुरु च यत प्रायः तद्धि स्वेदनम उच्यते। ये द्रव्य प्रायः स्वेदन है जिनमें उष्ण गुण है, जिनमें तीक्ष्ण गुण है, जिनमें सरगुण भी है और स्निग्ध भी है, रूक्ष गुण भी है, सूक्ष्म गुण भी है, द्रव गुण भी है और स्थिरत्व भी है, और जो गुरु है तत्प्रायः स्वेदनम् उच्यते, उनको स्वेदन गण में समाविष्ट किया जाता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि कुछ जगह ऐसे भी जो गुण परस्पर विपरीत है, स्निग्ध भी है रुक्ष भी है, स्थिर भी है सर भी है, गुरु भी है लघु भी होंगे। अब ये रचना कैसे की गई है? आपके ये जो द्रव्य हैं स्वेदनोपक द्रव्य, स्वेदन उपक का अर्थ है स्वेदन द्रव्यों के पास जाने वाला गुणों से कर्म से प्रभाव से उनसे न्यून सम ऐसी जिनकी गुणवत्ता है ऐसे द्रव्य को उपग कहा जाता है। यानी स्वेद के गुण तो है लेकिन सौम्य है, लेकिन इन सौम्य गुण द्रव्यों को यदि अग्नि के साथ अग्नि का आगे दिया गया तो वो कार्यकारी हो सकते हैं, और कई बार ये सौम्य द्रव्य भी आप बाहर से लगाएंगे तो स्वजन का कार्य करते हैं, कल्प बनाकर इसको उपनाह कहते हैं। द्रव्य वही है, बाहर से उनका लेप लगाया, ज्यादा लेप लगाया तो उष्मा को अंदर दबा के रखता है और उस उष्मा के कारण स्वजन होता है। ये भी स्वेदन है लेकिन इनकी गुणवत्ता मर्यादित है। अब इसमें इतने भिन्न भिन्न गुणों की रचना क्यों की है? उद्देश्य
ये कल्पना यदि आपकी है कि ये केवल बाह्य स्वजन करते हैं, नहीं, अभ्यंतर भी करते हैं, अभ्यंतर पान से भी करते हैं। आपको याद होगा ज्वर की चिकित्सा अध्याय में ममितम लंघितम काले चरक चिकित्सा स्थान अध्याय थी, लोग याद नहीं मुझे, शायद 152। ज्वरितम लंघितम ममनम काले ममितम काले जवाब फिर उपाचरित, और इसमें जवाबों का वर्णन किया गया। आहार भावात प्राणाय द्रवोष्णत्वात स्वेदनाय च, आहार भावात प्राणाय द्रवोष्णत्वात स्वेदनाय च, तो शायद 152 है उसका ज्वर के लंघन के बाद। वमितम लंघितम का है 149। हाँ 49। वमितम लंघितम काले जवाद उपाचरे, और उसके आगे है स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात्, मिला 152। स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात् आहार भावात् प्राणाय स्वेदनाय द्रवोष्णत्वात्, यानी आपको जब ज्वर के रोगी को स्वेद लाना है, पाचन करना है, लंघन करना है, ज्वर चिकित्सा में स्वेद लाना है, तो आप इन द्रव्यों का प्रयोग भोजन में कर सकते हो। शोभाजन का सूप बनाकर दे सकते हो अथवा उसकी थोड़ी मात्रा आप इसमें डाल सकते हो। बड़ा स्वेदनोपक है, जब आप स्वयं स्वेदन है उसमें आप थोड़ा सा डाल दीजिए और स्वेद लाएगी। यदि शीत ऋतु है, बलवान श्लेष्मा है, स्वरोध है, उसमें डालिए। इस प्रकार उष्ण तिक्त द्रव्य का प्रयोग उन्होंने किया है। तिक्त द्रव्य क्या करता है, जो तो भेद करके शरीर में दोषों को निकाल देता है, प्रमति होता है। जैसे आप शरद ऋतु में गर्म पानी पियोगे पसीना आता है कि नहीं, उष्णत्वात् शरत्वात् और द्रवायत्वात्, त्रिभुवन तिथि खाने के बाद देव आता है उष्णत्वात् शरत्वात् द्रवायत्वात्। इस प्रकार शोभा ये द्रव्य तीक्ष्णोष्ण है, एरंड उष्ण तीक्ष्ण है, अर्क उष्ण तीक्ष्ण है, पुनर्नवा उष्ण है, श्वेत पुनर्नवा उष्ण उष्ण है, यव रुक्ष है। आप रुक्ष स्वेद देते हैं, कुछ अवस्था में रुक्ष स्वेद की आवश्यकता पड़ती है आपको, जैसे आमवत में है, मेधावृत वायु में है, तो आप इसका जो उपनाम कर सकते हो, उसका उद्घर्षण कर सकते हो, उसका लेप लगा सकते हो, और स्वेदन द्रव्य में आपको उत्तली बांध कर इसका आप स्वेद दे सकते हो। किलो स्निग्ध उष्ण है, आप प्रयोग कर सकते हो उसका, जो इसके स्वेद है पत्थर पे सुधारने के क्रुशरा बनाकर उनमें इसका प्रयोग होता है। क्रुशरा बनाकर पत्थर पे पसार देते हैं और उस पे और चादर डालते हैं और ऊपर पेशेंट को सुलाते हैं। उसी प्रकार कुलत्थ भी है, कुछ स्वेद देना तो कुलत्थ देना, भ्रूमन स्वेद देना है तो माश देना। आप ये करते हैं पिंड स्वेद, क्या कहते हैं उसको, पिंड स्वेद कहेंगे हम, अवर किसी या ऐसा कुछ इसका नाम है, बलापत्र पंडित से दम करते हैं। उसी प्रकार ये
शरीर में बुंगन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक और व्यवस्था ग्रंथकर्ता ने की है कि कुछ द्रव्य अम्ल हो और अम्ल द्रव्य ये वृक्ष स्वेद में भी आप जो उसको आप ये कहते हैं ना वृक्ष द्रव्य का पुतली बना कर आप स्वेद देते हो ना, तो उसमें भी आप अम्ल द्रव्य डालते हैं तो वो उसका परिणाम ज्यादा होता है। शक्कर डालते दो तो वो वृक्ष सृजन करता है, कठोर वृक्ष है लेकिन उसमें शक्कर डालते तो उसको तो दुर्गा भी प्रदान करता है, वो शरीर में भी अच्छा होता है रंध्र से। वैसे ही उपनाम करते कम उपनाम में भी आप अम्ल द्रव्य डालिए अंदर जाके काम करता है। शीतल में भी काम करते हैं, चंदन का लेप लगा दो बाहर से अंदर तो स्रोतोरोध होकर उसमें अंदर से अंदर पास करता है। इस प्रकार इन सभी द्रव्यों का प्रयोग आप स्वेदन के भिन्न भिन्न प्रकारों में कर सकते हो। इसलिए इन गुणों के अन्य द्रव्य भी आप इसमें समाविष्ट कर सकते हैं, इसलिए इनको स्वेदोपग कहा गया है। तरकुंडिया बेल बदर बदर का प्रकार है तो उसमें बदर आने से दूसरे मारे इस प्रकार स्वेद पकाने हैं। अब हम अपने दूसरे अध्याय पर जाएंगे। सर श्लोक क्रमांक 31 पासून सुरू करायचा ना? हाँ श्लोक क्रमांक 31 एक मिनट देखता हूँ मैं। हमारा कहाँ तक हुआ है? हुआ है 30 हो गया है, 31 31 चुका है। हाँ चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 31 शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्था बलवर्धिनी देह व्यायाम संख्याता मात्रयाताम समाचरेत। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, चेष्टा शब्द दो बार आया है शरीर चेष्टा। यहाँ चेष्टा शब्द का अर्थ पहला जो है कृति है, शरीर चेष्टा कृति शरीर की वही कृति कि जो स्थैर्य प्राप्ति के लिए स्थैर्यार्थ यह सामासिक शब्द है, स्थैर्य प्राप्त हो इसलिए किए जाने वाली स्थैर्यार्थ बलवर्धनी ये भी सामासिक शब्द है। या बलम वर्धयति सा बलवर्धनी, या स्थैर्यादम ददाति सा स्थैर्यार्थ, ऐसी शरीर चेष्टा को देह व्यायाम संख्याता, उसको देह का व्यायाम कहा गया है लेकिन तब वो इष्ट हो। तो दूसरा शब्द जो है चेष्टा उसमें जो अलग निकालना है और इष्ट अलग निकालना है, यानी इष्टा के इष्ट मात्रया समाचरिता मात्रा में ली है, देश काल का विचार करके लिया है, देश का ऋतु का वय का अवस्था का सबका विचार करके मात्रा में किया है और जो योग्य है फलदायक है विकृति करने वाली नहीं है का नाम व्यायाम है। ब्रेकडांस व्यायाम नहीं हो सकता। कोई साहस व्यायाम नहीं हो सकता जो मसल तैयार कर दे, नहीं हो सकता। इसका चेष्टा स्थैर्यार्थ बलवर्धन, देखिए उसकी टीका देखो चेष्टा की, चेष्टा की टीका की है उन्होंने
या कि उसका चौथे फोर्थ लाइन याच इष्टा अभिप्रेता एतेना भार हरणाद्या अनिष्टा कार्यवशात क्रियमाणा चेष्टा निरस्यते चंक्रमण रूपात क्रिया प्राप्यते। ऐसी कि उसका जो बहुत बड़ा भार लेते जा रहे हैं सिर पे, ये व्यायाम नहीं है, जीत के ले जा रहे हैं, ये व्यायाम नहीं है, उसको दूर करते हैं। जो इष्ट है, शरीर स्थिर करने वाली है, व्याधि करने वाली नहीं है, उसमें चक्रवर्ण भी आता है। देखिए उसके नीचे नीचे से तीसरी लाइन सुश्रुत का वाक्य है, वो पढ़ो। सुश्रुते अप्योक्तम उसी के नीचे सुश्रुते अप्योक्तम सुश्रुते अपि उक्तम यत्तु चंक्रमणम नाति देह पीड़ा करम भवेत। तद आयु मेधा अग्नि प्रदम इंद्रिय बोधनम च चक्रमण ये व्यायाम है। लेकिन कब है? प्राक श्रवणात ये नहीं वर्त है, थकान आने से पहले बंद किया है, ऋतु देखकर किया है, काल देखकर किया है, अवस्था देखकर किया है, सुधित नहीं है, अग्रिम नहीं है, ग्रीष्म ऋतु नहीं है, धूप नहीं ज्यादा, शरद नहीं ज्यादा, धूप में नहीं घूमना है। बताया आपको शरद चर्चर्या में ग्रीष्म तो बिल्कुल नहीं घूम, धूप में जाना है। इस प्रकार देह व्यायाम संख्या का ये भी व्यायाम है। अभी व्यायाम क्या करता है? बड़ा बड़ा वजन तो करता है, स्थैर्य भी देता है, उसका अभिप्राय वही है स्थैर्य के लिए और बल वृद्धि के लिए करे, मात्र या करे। अब अगले श्लोक में ग्रंथ का लिखते हैं ये क्या क्या देता है। पढ़ो क्या क्या देता है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सहिष्णुता दोषक्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायामात उपजायते श्रमः क्लमः। बस नहीं, बस बस, व्यायाम से इतने लाभ होते हैं। एक, देह लाघव आता है। दो, कर्म सामर्थ्य बढ़ता है। तीन, शरीर बनता है, धातु स्थिर बनते हैं, विद्लिबित नहीं रहते, रुखा मेरे से नहीं होते, और दुख सहन करने की क्षमता आती है। वात आतप तृष्णा क्षुधा और अन्य कष्ट भी सहन करने की क्षमता आती है। इसके अलावा व्यायाम दोषक्षयकर है। एक तो व्यायाम पाचक है, लंघन के रूप में वेदन है, व्यायाम तपमारुता दंगन है, सृजन भी है, सृजन में है अग्निग्रहित अग्नि व्यायाम आता है और दंगन में भी आता है। ये दोषक से करता है और स्वेद भी देता है, लेकिन ये दोषक से भी करता है, यानी गुरु गुणों के विपरीत है, द्रव गुणों के विपरीत है, विद्ध गुणों के विपरीत है, लाघव देता है, अभिषंद कम करता है, वेद लाकर और उष्मा निर्माण करता है। इसका व्यायाम दोष क्षय करता है, दोष के गुणों के न्यून करने का प्रयास करता है।
दोषों के गुणों को कम करता है। कभी वेद लाकर, कभी परिणाम में मदद करता हुआ दोषों को गति करवाता है। इस प्रकार इसलिए संतर पंजन्य व्याधि में प्रायः अजीर्णावस्था न हो, स्थानावस्था न हो, तो प्रारंभ लघु लघु व्यायाम से करना चाहिए। थोड़ा घर में बैठो, थोड़ा आसन करो, थोड़े काम करो, घर में हल्के हल्के काम करो, जैसे 10 बार 10 के खुले जाना है करो, ऐसे धीरे धीरे काम करना है। ये कर्म भी इष्ट है और धैर्य देने वाला है, बल देने वाला है। अमेरिका में गरीब लोगों में शौल्य है, उसका कारण क्या पता है? उनके पास जिम में जाने के लिए पैसे नहीं है। कितना दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ जिम में जाने की जरूरत नहीं है। योगासन करो, घर में काम करो, सूर्य नमस्कार करो, हो गया व्यायाम। रस्सी के दाम में ये करो, कूदे मारो, हो गया। और खास करके घर के काम करो, जैसे अपने कपड़े खुद धोना, वो भी कैसे मशीन बदल कर नहीं, घिस कर, थप थपा कर, उसे स्कंद बनता है अपने। सूर्य नमस्कार करो, पुलक निकालो, सूर्यदार गर्दन बनती है। इस प्रकार व्यायाम के लिए कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर में काम है, बहुत काम है घर में। बर्तन मांजो, कपड़े धो, आटा भूनो, व्यायाम होता है। यदि 5 लोगों का आटा भूनते हो तो व्यायाम होता है, दोनों हाथों से भूनो तो दोनों को व्यायाम होता है। इस प्रकार व्यायाम करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे व्यायाम को समय नहीं मिलता, तो काम करो ना, नहाते नहाते अपने कपड़े धो डालो, सभी कपड़े धो डालो, चादर के साथ, चादर कपड़े, बाहर के कपड़े, घर में पहनने कपड़े, रोज एक दो धो, व्यायाम हो जाता है। अलग व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा सा पसीना आना चाहिए, पैदल तो चलना ही है। जहाँ जब घर में एक पेशेंट था हमारा, डायबिटीज का, उसको मैंने कहा कि आप घर में बैठे तो फिर आपको कुछ चीजें चाहिए तो क्या करते हो? हाँ, बहुत लोग घर में देने वाले, सबको मंगाते हैं। मैंने कहा उनको ऐसा कुछ नहीं करना, हर चीज अपने आप खोल लेना, पानी चाहिए खुद उठ के जाना, रिमोट नहीं होना, नो रिमोट कंट्रोल, टीवी शुरू करना है खुद उठ के जाना, दवा खाना है खुद उठ के जाना, दवा लाना, खाना फिर सामान रख देना, अपना घर खुद डालना, ऐसे धीरे धीरे काम करो, परिणाम होता है। इसलिए ये दोष क्षेत्र है, खास करके त्वचा रोग में, जहाँ पर क्लेद और अभिच्छन्न होता है, पेशेंट को बोलो थोड़ा सा घूमो, बाहर की हवा खाओ। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ा काम ये करता है, अग्नि वृद्धि करता है। आपको याद होगा मात्रा स्थिति अध्याय में व्यायाम आहित बड़े शब्द आया है, याद है? मात्रा स्थिति अध्याय में नितराम बलवान भवते, समय है तो निकाल के बताओ, बोला ही व्यायाम से अग्नि नितराम बलवान भवते, अन्यत्र व्यायाम अग्नि बला, गुरु आहार खाने के बाद यदि अग्नि और व्यायाम उत्तम है तो अल्प दोष कर है। अल्प इसलिए व्यायाम अहित बल होना चाहिए, अग्नि का भी। तो व्यायाम तो पूजाते अष्टांग हृदयकार ने एक शब्द और रखा है, विभक्त घन गात्रत्व व्यायाम पूजाते।
गात्र घन होते हैं, विभक्त होते हैं, व्यायाम करने से। इसलिए व्यायाम ये ऑप्शनल नहीं है, ऑप्शनल नहीं है। छोटा बच्चा 24 घंटे हाथ पर हिलाता रहता है, जब तक वो सोया नहीं रहता तब तक हाथ पर दोनों हिलाता है, मुंडी भी हिलाता है। व्यायाम करता है, रोता है, व्यायाम है। इस प्रकार व्यायाम ये ऑप्शनल नहीं है, हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें वार्धक्य देरी से आता है, वलित पलित कम होता है, स्नायु स्थिर होते हैं, बलवान होते हैं, और विभक्त घनगा तत्व आता है, अग्निदीप्त होता है, दोष क्षय होकर अग्नि अभिव्यक्त होता है, अनावृत होता है, दोष क्षय होकर व्याधि ठीक होता है। इतने लाभ व्यायाम के हैं। इसके अलावा जो है वो दुख सहिष्णुता है, वो तो होता ही है, इसलिए व्यायाम अनिवार्य है। उसके लिए समय नहीं है, ये कारण उचित नहीं है। और जो व्यक्ति व्यायाम नहीं कर पाता, उस व्यक्ति को गुरु अन्न, नॉनवेज, अंडे, भैंस का दूध, गुलाब जामुन, आम का रस खाने का अधिकार नहीं है। जो ये कर सकता है उसी ने वो खाना है, नहीं तो रोज 2 कप दूध, 2 ग्लास दूध तेरे व्यायाम पता नहीं, नहीं, नहीं चलेगा। व्यायाम अहित बल हो तो दूध पीना है, वो भी गाय का पीना है, भैंस का पीना है, तो उसके लिए अग्नि बहुत ही आपका अच्छा चाहिए, इतना अच्छा नहीं चाहिए कि ठंडा दोड़ना थोड़ी पचा ले। इसलिए व्यायाम ऑप्शनल नहीं है, अपने अपनी क्षमता से रोक करना है। अब इसके अति व्यायाम के परिणाम ही है, और अति व्यायाम के परिणाम तमः क्लमः क्षयः तृष्णा रक्तपित्तं प्रतामकः अतिव्यायामतः कासो ज्वरः सर्दिश्च जायते स्वेदागमः श्वासवृद्धिः गात्राणां लाघवं तथा हृदयात् उपरोधश्च इति व्यायामलक्षणम्। व्यायामलक्षणम् ठीक है, तो अतिव्यायाम से समश्वास लगता है, थकान आता है, धातु से होता है, तृष्णा होती है, कभी कभी रक्तपित्त भी हो सकता है। और ये प्रथमक जान सकता है, ये इसकी टिप्पणी की है चक्रपाणि में, वो स्वास्थ्य विशेष करके लिखा है प्रथमक, प्रथमक के रूप में प्रथमक, ये तमक स्वास्थ्य नहीं है, इसमें धातु से होकर जीर्णावस्था में आने वाला, वार्धक्य आने वाला श्वास है। तो इस प्रकार इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। अब इसके बाद के सूत्र है दंतकार, अपनी मात्रा में व्यायाम नहीं करना चाहिए तो बताइए, लेकिन इसके अलावा प्रसंग तंत्र से अन्य साहस भी नहीं करने चाहिए, वो बता रहे हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं, पढ़ो। व्यायाम 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 हास्य भाष्य अध्व ग्राम्य धर्म प्रजागरान न उचितानपि सेवेत बुद्धिमान अतिमात्रया। यहाँ पर न उचितान शब्द है, न उचितान, उसको न अलग निकालना है, और उचितान शब्द न अलग निकालना है। उचित उचित शब्द का अर्थ है अभ्यस्त क्रिया, जिसका अभ्यास किया है उसको उचित कहते हैं। उचित के दो अर्थ है, एक अर्थ उचित का योग्य ऐसा है, और दूसरा अर्थ है व्यायाम,
ये कि आपने अभ्यास किया है उसको उचित कहते हैं। तो न उचितान अपि, उचितान ये द्वितीय बहुवचन कर्म है, उचितान अपि न सेवेत अतिमात्रया बुद्धिमान, बुद्धिमान ये शब्द विशेषण बना है शत्रु प्रत्यय लगकर, ये इसको संस्कृत में प्रत्यय कहते हैं, शब्द निर्मित के समान सामर्थ्य उसमें, बुद्धि शब्द से बुद्धि से युक्त ऐसे हम इसको बुद्धिमान शब्द लगाते हैं। तो ये बुद्धिमान है, बुद्धिमान व्यक्ति ने अतिमात्र या तृतीया अतिमात्र या न सेवे तो कौन सा उचित आना चाहिए, जिसका अभ्यास है वो भी ज्यादा मत करो, समय के पहले रुक जाओ। अब क्या क्या आता है उसमें, व्यायाम अभ्यास है, मात्रा मत बढ़ाओ, देश काल का विचार करते हुए मात्रा मर्यादा में रखो, हास्य हास्य ये प्रश्न इसलिए आता है कि आजकल स्पर्धाएं रहती है, हास्य की स्पर्धा है, कौन घंटा दो घंटा हंसता है, और वो भी बड़े इसके सातवें मंजिल पर हंसता है, ऐसे अच्छे साहस में करना है, भाष्य 48 घंटे बोलना है लगातार। एक हमारे मंत्री थे पहले नेहरू जी के काल में, कृष्ण मेनन नाम थे, उन्होंने लोकसभा में 36 घंटे भाषण किया, एक रिकॉर्ड है, नहीं करना है। अधोगमन, ग्राम्य धर्म सेवा और जागरण भी नहीं करना है, घंटा भर जागरण ठीक है, लेकिन आजकल की परिस्थिति में जहां पर दिन और रात्रि ऐसा विभाग नहीं है, और है तो भी कोई नियम नहीं, जब मन में आए तब करना है, इसलिए लोग, मैंने पेशेंट देखा कि रात को 3 बजे सोता है और सुबह 10 बजे उठता है, क्योंकि उनको नियमों का पता नहीं, और पता हो तो ये पालन करना नहीं है। आपने सुना होगा कि सुशांत नाम का जो प्राणी मर गया है, मारा गया है, उसको कुछ 4 बजे तक उसके घर के लाइट बंद नहीं होते थे, तब तक वो फिर रिसर्च करता था, और फिर से वो 9-10 बजे तक सोता। ये अति जागर है, ये बाधा कर है, इसलिए इन भावों को आदत होने के बाद भी नित्य अति मात्रा में नहीं करना, एक हद बार क्या बात अलग है, लेकिन नित्य नहीं करना और अति मात्रा में तो कभी नहीं करना। इस प्रकार यदि ऐसे कोई करता है तो उसके लिए टीका ग्रंथकार कहते हैं, एक हाथी एक ये शेर है और उसने हाथी को मार दिया है झगड़े, और मारने के बाद उसको फिर लेके जा रहा है हाथी को, और वो खुद नष्ट होता है अपने बल से अधिक मारना है, एक बात अलग है युक्ति है, लेकिन उसको खींच के लेके जाना अपने मुंह से पकड़ कर, उससे हो सकता है वो स्वयं नष्ट हो जाए, इसलिए कहते हैं गजम शुंभ आकर्षण सहसा विनश्यति, गजम ये द्वितीय क्वेश्चन है, शुंभ प्रथम क्वेश्चन करता है, सहसा अकस्मात कर्षण, कर्षण यानी खींचता हुआ, कर्षण थी अंतिम निकाल लेना है, उसको अट लगाना है और वो गच्छत के समान चलाना है, तो वो बन जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, गजम सिंह इव
वह के समान जैसे गज को हाथी खींचता है और खुद मर जाता है, वैसे अति मात्रा में इन भावों को करते हुए मनुष्य अपना स्वास्थ्य खो बैठता है। इसके बाद के श्लोक है वो संक्षिप्त है, यानी किसी ने बाहर बाद में लिख दिए गए हैं उसका, लेकिन अर्थ उचित है इसलिए पढ़ना है। क्रोध पढ़ो। अतिव्यवाय भार अध्व कर्म भी ही च अतिकर्षिता हा क्रोध शोक भय आयास ही क्रांता हा ये च अपि मानवा हा बाल वृद्ध प्रवाताश्च ये च उच्चैर बहुभाषका हा ते वर्जयेत वर्जये वर्जयेत युहु व्यायामं क्षुधिता हा तृषिता हा च ये। इन लोगों ने व्यायाम नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों ने जो क्रोधे न क्रांत क्रोध से आक्रांत है, शोके न क्रांत ये सामासिक शब्द है, इसलिए सबकी मिलाकर तृतीया सही ही किए आया सही ही किए उसको अलग अलग करना। क्रोधे न क्रांत शोके न क्रांत कर्मे न क्रांत आयासे न क्रांत क्रांत यानी क्रोधे ये चापि मानवा ते व्यायामं वर्जयेयुः उन्होंने व्यायाम नहीं करना चाहिए। वर्जयेयुः ये विद्यर्थ रूप है, बहुवचन है, तृतीय पुरुष बहुवचन वर्जयेयुः गच्छेयुः इस प्रकार। व्यायामं ये कर्म है, व्यायामं वर्जयेयुः और क्या क्या करना है। अति व्यायाम कर्षित अतिव्यवहार कर्षित भारवहन से कर्षित अध्वगमन से कर्षित कर्मविश्च अतिकर्षिता अतिकर्षिता ये बहुवचन क्या है, इन सबको मिलाकर ये सामासिक शब्द है, इसको एक एक शब्द को अलग अलग निकालना है। अति व्यायाम कर्षिता अति भार भारात कर्षिता अति अध्वगमनात् कर्षिता अतिकर्मात् कर्षिता इस प्रकार उसको करना है। इसी प्रकार बाल वृद्ध प्रवाताश्च बाल है वृद्ध है और प्रवात शब्द इसका प्रकर्षेण वाति गति करते चलते हैं दौड़ते हैं इस प्रकार। गतिमान जो ज्यादा गति करते हैं ऐसे लोग जो हैं उच्च ही बहुभाषका हाँ जोर से बोलते हैं और बहुत बहुत बोलते हैं, ये भी व्यायाम नहीं करेंगे। ते अपनी वर्जये युहु व्यायामम वर्जये युहु बहुवचन है। शुभिता हाँ अपनी वर्जये युहु शुभित लोगों ने भी व्यायाम वर्ज करना है। रुषिता हाँ अपनी वर्जये युहु इन्होंने व्यायाम जहां तक नहीं करना है। यहाँ पर व्यायाम का वर्णन उन्होंने कर दिया है, अब इसमें कुछ भाव का अभाव है जो वर्णन ग्रंथकार ने यहाँ पर नहीं किया है, वो वर्णन अष्टांग हृदयकार ने अपने दिनचर्या में किया है। मैं केवल उल्लेख करता हूँ व्यायाम किसको नहीं करना चाहिए, व्यायाम वर्जन किसको है, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है सामावस्था में व्यायाम वर्ज्य है और कृषित पीड़ित कृष इन्होंने व्यायाम नहीं करना है, व्यायाम वर्ज्य है। उन्हें खास करके अजीर्ण भी आमादोष युक्त अजीर्ण इन्होंने व्यायाम नहीं करना है। जो कभी याद नहीं आ रहा उसका पहला शब्द याद आया तो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। इदानीं येनासौ न कार्यस्थं दर्शयति वातपित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णो च तं त्यजेत। वातपित्तामयी बाल वृद्ध अजीर्णी अजीर्णो नहीं करना चाहिए।
और रोशन भी नहीं करना चाहिए, मौन मर जाए। और इसके बाद ये योग पूरा विषय हुआ है, इस विषय का विश्लेषण हमने मंगलगान धारा में किया। इसके पहले का अध्याय में हमने दिनचर्या की, ऋतुचर्या की, और उसके पहले अध्याय में हमने दिनचर्या भी की है। अब इन तीनों अध्यायों का समारोह को कर रहे हैं, और समारोह के लिए उन्होंने अभी अगले श्लोक समारोह के लिए सम्मिलित किए हैं, यानी तीनों अध्यायों का समारोह अब वो कर रहे हैं। इसलिए ये जो श्लोक है ये बड़े महत्वपूर्ण है, वो पढ़ेंगे। पढ़ो। उचितात् अहितात् धीमान् क्रमशो वीरमे नराहा हितं क्रमेण सेवेत क्रमः क्रमश्च अत्र उपदिश्यते। बस उचितात्, उचित शब्द का अर्थ मैंने बताया, उचित का अर्थ है जिसका अभ्यास किया है। देखिए ऊपर से चौथी पंक्ति में देखिए उचित का अर्थ अभ्यास ऊपर से चौथी पंक्ति पिता ने उचितात् अभ्यस्तात् क्रमशो वक्षमाणे क्रमेण, जिनका अभ्यास किया है ऐसे उचित है, अभ्यास है। लेकिन आज वो अहितकर है, क्यों? हो सकता ऋतु बदल गया हो सकता अवस्था बदल गई हो, वार्धक्य आया हो। अब यहां ये शब्द प्रत्येक अभ्यस्त कृत के लिए है। जैसे अपने वर्षा ऋतु में रूक्ष आहार का अभ्यास किया है, उदमंत्र बंद किया रूक्ष रोग के लिए, ये वो पुराना शाली इनका प्रयोग अपने किया, अब इसका अभ्यास हो गया है क्योंकि इस ऋतु में साथ में था, कुछ इस ऋतु के विपरीत था, इससे पेट बड़ा हुआ है, द्रव गुण से चेष्टा बड़ा है, द्रव गुण से पित्त बड़ा है, अग्निमंद है, इसलिए अपने वहां पर द्रव शोषक रूप से द्रव्य का प्रयोग किया, आहार ऐसे लिया जो श्लेष्मा का द्रव गुण न बढ़ाए, कषाय रस का पान किया, कषाय का यानी मधु का जो रूप है, व्यायाम बंद कर दिया क्योंकि आदान काल तो बलवान बलवान आदान काल के बाद तुरंत आने वाला ऋतु है, दृष्टा से बात का ऋतु है, उसमें ये उसका बल अधिक होता है, ग्रीष्म ऋतु का बल शेष रहता है, इसलिए क्षमता भी नहीं, इसलिए व्यायाम भी बंद है। अब इसके बाद के ऋतुओं में यदि आप इन्हीं भावों को फिर चलाकर चलाते हो, कम से कम जल पीना, लघुत्तम आहार लेना, तो ये बाधा का फर्क हो सकता है। इसलिए शरद ऋतु के गुणों के अनुकूल शीत निग्रह पित्त अच्छे द्रव्यों का हमें सेवन करना है। यदि ऐसा ये परिवर्तन करना है तो झट से छलांग लगाते हैं, 15 दिन पहले ऋतु के, 15 दिन दूसरे ऋतु के, यानी श्रावण के 15 दिन अंतिम और ये भाद्रपद के 15 दिन और फिर आगे जाकर कौन सा वाला उसके 15 दिन, अश्विन के 15 दिन, ये 15 दिन आपको रहा करना, रहा देखना है
इसमें धीरे 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 वर्षा के गुण समाप्त तो कम होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, कम होते हैं, पर अश्विन में उसके पित्त पित्त का प्रभाव यानी शरद ऋतु का प्रभाव धीरे 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 आपको मिल सकता है। और तब जाकर आप पूर्ण रूपेण नया आहार ले सकते हो, लेकिन एकदम नहीं लेना है तो उसको क्रमशः अपथ्यकर आहार एक एक पाद छोड़ना है। यानी आप पहले यदि रुक्ष अन्न खाते थे तो उसका आपको एक पाद आपका अष्टम करना है, एक पाद दूसरे भोजन का यानी शरद के भोजन का देना है। इस प्रकार एक एक ऐसे एक एक क्रम से बढ़ाना है। और फिर जैसे ये कम करते जाओगे वैसे तो धीरे धीरे वो भी बढ़ाना है, शरद ऋतु का आहार बढ़ाना है। इस प्रकार क्रमेण विरमेण न रहा, क्रमशः विरमेत बुद्धिमान उचितात आहारात क्रमशः विरमेण। बुद्धिमान व्यक्ति ने उचित आहार को क्रमशः छोड़ना है, विरमेत ये विद्यर्थ है और उसका तर्क न हुआ है, न रहा क्रमशः। और जो हितकर है हितम जो क्रमेण सेवेत, क्रमशः विरमेत क्रमेण सेवेत उचितात अहितात विरमेत न रहा। उचित है अभ्यस्त है लेकिन आज वो अहितकर है तो उसको क्रमशः छोड़ना है और क्रमशः हितकर लेना है। और इसका क्रम भी बताते हैं, ये क्रम के लिए मैं भी अभी पढ़ता हूँ लेकिन इस पर विस्तार से जाते हैं। एक दिन मैं स्वतंत्र रूप से तुरंत नहीं करूँगा, कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उसकी पिता बहुत बड़ी है और वो टीकाकरण में बहुत मंतव्य दिए है, एक मत ये है, एक मत वो है, एक मत वो है, उससे कौन सा उचित है उसका अध्ययन करना है और फिर मैं उसको कभी बताऊंगा। तो उन्होंने कहा है कि अब ये क्रमशः कैसे करना है तो उसका वर्णन किया है मात्रा में, वो प्रक्षेप और अपचय, प्रक्षेप यानी स्वीकारना, अपचय यानी छोड़ना, प्रक्षेप अपचय सप्तमी है, अपचय में और प्रक्षेप में पादांशिका क्रमः भवेत ताभ्याम, दोनों का पादांश होना चाहिए। पादांश यानी जितना रोज खाते उसका 1/4, उसका नए का एक 1/4 लेना है और पुराने का 1/4 छोड़ना है, ये पादांशिक का अर्थ है। टीकाकार पादांश का और एक अर्थ करते हैं, अर्थ करते हैं पादस्य अंशः पादांशः, स्वयं समास की पद्धति बदल गई, भोजन से पादांशः 1/4 और पादांश का दूसरा अर्थ ग्रंथकार कर टीकाकार करते हैं पादस्य पादांशः, यानी 1/4 का 1/4 यानी 1/16 टीकाकार मत है, उसके लिए पढ़ेंगे अभी, अभी यही समझेंगे प्रक्षेप और अपचय दोनों कर रहे हैं ताभ्याम, तेन ताभ्याम तई ही, ताभ्याम तृतीया है, द्विवचन है, प्रक्षेप और अपचय ये दोनों पादांशिक है। पादांशिक का अर्थ एक अर्थ 1/4, 1/4 त्यागना 1/4 लेना, 1/4 त्यागना 1/4 लेना, ऐसे क्रम। फिर अब ये कैसे करना है, ये रोज करना है या उसके लिए कुछ क्रम है, तो कहते एकांतरम जैनतरम त्रयंतरम तथा,
एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, इस प्रकार क्रमशः अपचय और प्रक्षेप करना है। इस पर विस्तार से बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि ये विषय मुझे भी समझ लेना आवश्यक है। बहुत 3 4 उसके टीकाएं हैं, एक एक इसका टीकाकार का मत एक एक भिन्न है, तो सब मैं पढ़ के बताऊंगा। तो ये हुआ सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, उच्चतात अधिकतात गृह में मारा है, यानी जिसका अभ्यास किया है वो पिछले समय साथ में था, आज अभ्यास होने के बाद भी वो अगले ऋषि के लिए साथ में नहीं है। यानी इसका दूसरा अर्थ है, साथ में की व्याख्या अभ्यास इतनी बातें ही है, साथ में की व्याख्या है विपरीत का अभ्यास और हितकरों का अभ्यास। अभ्यास किसका करना है? हितकर प्रयोग का करना है, उसके साथ अहिता। और जो हितकर है और साथ में है, अब जैसे माँ मित्र है, गुरु है, ग्रीष्म ऋतु में खा सकते हैं, लेकिन नहीं, वो हितकर नहीं है, वो अवर अन्न है, साथ में हो सकता है लेकिन अवर अन्न है, वो नित्य में खाने की वस्तु है। दही भृंगन है लेकिन नित्य नहीं खा सकते हैं, उससे रक्त पित्त होता है, कामला होता है, हितकर नहीं है। इसलिए सात्विक की व्याख्या हितकर द्रव्यों का अभ्यास और हितकर द्रव्यों का भी ऋतु विपरीत, काल विपरीत, देश विपरीत, अवस्था विपरीत हो तो अभ्यास करना है, इसका नाम सात्विक है। इसलिए कृपा करके गलती से भी अहितकर द्रव्यों का अभ्यास न करे, गलती से भी नहीं करना है। इस अर्थ में अष्टांग उदय का श्लोक है, वो मुझे अभी इस समय याद है, लेकिन श्लोक पता नहीं कहाँ पर है। तो अत्यंत संविधानाम दोषाणाम दोषणात्मका न विद्वान कर्तुम अर्हति। विद्वान व्यक्ति ने दोषों के अत्यंत समृद्ध द्रव्य है, गुण में बलवान है, उनका अभ्यास कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं कल बताऊंगा अगले व्याख्यान में श्लोक का नंबर अष्टांग उदय का श्लोक है। अत्यंत संविधाना नाम बहुत सभी थे दोषों को, दोष प्रकोप करने के लिए बलवान है, उसका अभ्यास नहीं करना है, सत्य नहीं करना है। और उसकी टीका छुपी आयुर्वेद क्या है, वो कहते हैं अहिता नाम सात्म निषेध है, अहिता है। इसलिए इस श्लोक को अधोरेखण करके रखिए, उचिता अहितात सात्म्यात विरमे नरः। तो जो साथ में है, अभ्यास साथ में है, उनका भी यदि वो अहितकर है तो सेवन नहीं करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं भारतवर्ष में घूमता हूँ, घूमा अभी नहीं घूमता हूँ, बन गया, लेकिन हर जगह साथ में की कल्पना अभ्यास साथ में ही है, और वो सारा सार झूठ गलत है, इस बात को समझना आवश्यक है। चलो इसके बाद अगला श्लोक पढ़ो। क्रमेण अपचिता वस्तु पढ़ो। क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः संतो यान्ति अपुनर्भावम् अप्रकम्प्या भवन्ति च। अब इसे यान्ति, ये शब्द है, क्रियापद है, ई धातु है, गतिवाचक है, हृदय में है, हृदय का स्वरूप है, यान्ति से यान्ति बना है,
ये बहुवचन है, इसके पुरुष बहुवचन है, ज्ञान की गति करते हैं। कैसे है ज्ञान की में जो है उसमें से ती निकाल देना है, अलग करना ज्ञान की, और अपुनर्भावम और पुनर्भावम, अपुनर ये सामासिक शब्द है, पुनः नहीं, पुनः एक शब्द है, भाव दूसरा शब्द है, अपुनः पुनः नहीं, और ये ऊपर से लगा है नकारात्मक, न तत्पुरुष समाज चाहिए उसको, और पुनः पुनः नहीं, अपुनर भाव, भाव यानी होना, उपस्थित होना, इसलिए भावम पुनर्भावम न जानती, अपुनर्भावम जानती, यानी अपुनर्भावम यानी पुनर्भाव को नहीं आते, अपुनर्भाव को या आते हैं। इसका दूसरा अर्थ हुआ पुनर्भाव को नहीं आते, यानी उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती है किसी दोषों से, और अप्रकम्या भवन्ति च, अप्रकम्या अप्रकम्या स्थिति का देखो, अप्रकम्या इति अप्रचाल्या भवन्ति गुणाः, इसे संबंध है, इनके गुण जो निर्माण हुए हैं बड़े हैं, ये जो आप क्रमश बड़े बड़ा बड़ा है और क्रमश कम किए हैं, तो वो अप्रकम्या यानी बाधित नहीं करते, यानी अपने स्वरूप से चलते नहीं, यानी सामान्य गुणावस्था से चलते नहीं, जितने आवश्यक है उतने बराबर आते हैं, उससे विचलित नहीं होते हैं, उससे विचलित होना ये वैषम्य है, वृद्ध होना या क्षीण होना ये वैषम्य है, इसको कहते हैं अप्रकम्या, विचलित होना, स्वस्वरूपात विचारण, अपने प्राकृत भाव से विचलित नहीं होते हैं, अप्रकम्या भवन्ति च, कौन क्रमेण उपचिताः दोषाः, दोषों का क्रमशः अपने उपचय किया है, जो क्षीण हुए थे उनको बढ़ाया है, और जो बड़े हुए थे वो क्रमशः अपने कम किए है, क्रमेण उपचिताः, और क्रमेण अपचिताः, एक जगह उपचिता है एक जगह अपचिता है, पहले शब्द में क्रमेण अपचिता, अपचित कम करना, और क्रमेण उपचित बढ़ाना, गुणों को और दोषों को क्रमशः बढ़ाना और क्रमशः कम करना, ये क्रम अपने अनुभव, यदि इसका प्रयोग आपने किया है तो उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको उपचित कहते हैं, अपचित और उपचित, उपचित ये कथित प्रत्यय है, कुर्यंत प्रत्यय है, तो कबुधावे उपचित और अपचित, कम हुए और बढ़े हुए हैं, जो बढ़ने से बड़ा है, जो कम करने से उनको कम किया है, इस प्रकार संतो अवस्था में है, ये संत ये भी कृदंत प्रत्यय है, संति उपस्थित होना, उसका अंति निकाल कर उसका तो प्रत्यय लगाया और वो गच्छन के समान चलता है, इसलिए संता गच्छन, गच्छन तो गच्छनता, तो संता, ये संता शब्द बन गया, तो ऐसे दोष इस अवस्था में जो दोष दोष प्राप्त हुए हैं, जो गुण प्राप्त हुए हैं, ऐसे जो क्रम से उपचित है और क्रम से अपचित है, क्रमशः बढ़ाए हैं क्रमशः कम किए हैं, वो कभी प्रचालित नहीं होते, वो कभी शीघ्रता से बढ़ते नहीं है और शीघ्रता से कम भी नहीं होते हैं, ज्ञान की अपनर्भव अप्रकम्या विचलित नहीं होते, इसलिए ये क्रम इसका उपयोग करना ये अनिवार्य है। यहाँ पर हम देखेंगे
अगला विषय अगले व्याख्यान में लेंगे। अगला विषय बड़ा कठिन है और मैं प्रयास करता हूँ समझाने का, आशा है ईश्वर मुझे वो क्षमता दे। कुछ प्रश्न है तुम्हें? सर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह सकते हैं कि आजकल बहुत सारे लोग खाना खाने के बाद वॉकिंग के लिए जाते हैं और मोस्टली ये भी देखा जाता है कि ये खाना खाने सुबह के समय तो नहीं लेकिन रात को बहुत सारे लोग छत्रपावली की जगह पे बहुत ज्यादा दूर तक घूम के आते हैं, तो क्या इसका शरीर पर विपरीत परिणाम होगा या फायदा होगा? छत्रपावली का अर्थ है ये दिन के 100 कदम ऐसा नहीं है, धीरे धीरे शांति से परिश्रम न हो इतनी मात्रा में ये व्यायाम नहीं है, ये इसका उद्देश्य व्यायाम करना ये नहीं है। इसका उद्देश्य ये है कि शरीर संचरण थोड़ा सा हो, इतना ही उद्देश्य होता है, इसलिए इसको व्यायाम के रूप में नहीं लेना। ये छत्रपावली है, थोड़ा सा चलना है, ये जोर जोर से नहीं करना है, आनंद लेते हुए करना है, गप्पे मारते मारते ये ना है, और वो ज्यादा नहीं करना है, 5 मिनट 10 मिनट के ऊपर नहीं करना। ये करना आवश्यक है, वो भी कारण बताता हूँ कि कुछ व्यक्ति दिन भर व्यायाम नहीं करते, बैठे रहते हैं और रात में भोजन तो करते ही है, उसमें चावल भी खाते हैं, पानी बहुत पीते हैं और उनको फिर घंटे घंटे को पेशाब को उठना पड़ता है और छत्रपावली थोड़ी सी करते हैं और 200 कदम, तो ये प्रमाण कम हो जाता है। चल आगे, जोर से नहीं दौड़ना है, क्वेश्चन आए ऐसी का परिश्रम नहीं करना है। अंतर के बारे में क्या कह सकते हैं सर, कितना दूर है, कितने अंतर तक? अंतर चलना, हाँ ये मिनट पे रखो, अंतर अंतर मत रखो, 10 मिनट के ऊपर नहीं चलना, इतने आराम से चलना है कि 10 मिनट से कम, 10 मिनट में आप पूरा कर सको, 10 या 15 मिनट के ऊपर नहीं। कितना लंबा जाना ये महत्व का नहीं है, इसमें शरीर गतिमान रखना यही आवश्यक है और वो भी थकान नहीं आना, वातावरण भी नहीं होना, सिंधु को दोष नहीं देना, पसीना नहीं आना। तुरंत बात करना है या एक मुहूर्त के बाद करना है? हाँ इसके लिए सुश्रुत ने कहा है भोजन के बाद हाथ धोने के बाद आप छत्रपावली करनी है, उसका उसके बाद फिर आकर राजा के समान बैठना है, तो तुरंत करना है, वो भी इसलिए 100-200 कदम इसके ऊपर नहीं करना है और वो भी आराम से करना है, गप्पे मारते मारते गाना गुनगुनाते गुनाते और फिर राजावत आसीना राजा के समान तकियों को पकड़ के आराम करना है, हाथ पैर लंबे करके। दोष कोष्ठ से शाखा में जाने के लिए एक व्यायाम एक हेतु बताया गया है, उसका उपयोग किस तरीके से कर सकते? वो भोजन के वो व्यायाम यानी तो अजीर्ण सुबह उठने के बाद जब अजीर्ण अवस्था न हो तब करना है, ये छत्रपावली से अपेक्षित नहीं है, छत्रपावली इतने आराम से करनी है कि व्यायाम न हो, परिश्रम न हो, इतना करना है और वो आपको सुबह अजीर्ण अवस्था में अजीर्ण न हो, पहला अन्न जीर्ण हुआ हो और अभी दोष आमाशय में है, उनको पोस्टर से शाखा में ले जाने के लिए वो व्यायाम कर रहा है।
एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर कि कोई व्यायाम नहीं करता है तो क्या उसे दूध सेवन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करता है। काम भी करता है तो चलेगा, पैदल चलता है तो भी करेगा, लेकिन बिल्कुल नहीं। पलंग पे बैठा रहता है, अथवा खाना खाया, गाड़ी में बैठा, ऑफिस में गया, कुर्सी पे बैठा, फिर गाड़ी में बैठा, फिर घर पे आया और फिर खाना खाया, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कुछ ना कुछ या चलते फिरते हैं, पसीना आता है, श्रम करते हैं, थकान आती है थोड़ी सी, उनको ही करना चाहिए। बच्चों को ये नियम नहीं है कि बच्चे फेंकते हैं, दिन भर वो कूदते रहते हैं, उनके ये नियम नहीं है। हाँ, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बैठे रहते हैं ना, तब नहीं करना है। एक अवस्था ऐसी है कि बच्चे घूमते ही रहते हैं कुछ समय तक, लगभग समझो 7-8 साल से हो रहा तक वो चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर रहते हैं, लेकिन एक बार वो थोड़े से बड़े हो गए कि उनको किसी की एक लग जाती है बैठे कुछ करने, काम करने की, खेलने की, टीवी देखने की, फिर वो घूमते नहीं, उनको नहीं जाना है। यदि वो व्यायाम करते हैं तो ही जाना है, घूमने जाते हैं, खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, और कुछ छोटा छोटा गेम खेलते हैं, बच्चों के गेम है, लेकिन वो शारीरिक श्रम हो तो उनको दूध पीने का अधिकार है। कुछ भी खेलते हो, शायद वो क्या हो, निमित्त हो, इधर से उधर भाग, उधर से उधर भाग, पकड़े पकड़ा पकड़े हो, कुछ भी करते हो लेकिन खेलते हैं, तो उनको अधिकार है। और जो कुछ भी नहीं करते हैं, बैठे बैठे दिन भर 1 घंटे एक रूम में, नहीं, उनको नहीं। सर, अभ्यंग के बाद व्यायाम करना है या पहले करना है? किसकी? अभ्यंग हाँ, ये विषय अपनी अपनी पद्धति से लेना है। अभ्यंग आपको किस लिए करना है? जो लोग कुश्ती खेलते हैं उनको अभ्यंग के बाद कुश्ती और फिर स्नान, और जिनको ऐसे कुछ करना नहीं है, समय मिलने के बाद 1 मिनट पर व्यायाम करना है, तो उन्हें अपने स्थान के समय अध्ययन कर लेना है। शाम से पहले अध्ययन उपवर्तन करना है, और जहां तक हो सके व्यायाम उससे पहले कर लेना है, शाम के पहले, क्योंकि पसीना आता है, वो दिन भर रहता है, इसलिए जहां तक हो सके शाम के पहले ही करना है। नियम ऐसा है कि शाम के पहले करो, क्योंकि व्यायाम के बाद फिर पसीना आता है, फिर नहाना नहीं है तुरंत, इसलिए व्यायाम करना, थोड़ी विश्रांति लेना, फिर अभ्यंग करना, फिर उद्वोधन करना, फिर नहाना। सर, वृद्ध व्यक्तियों में दिवास्वाप वात पित्तोत्तरावस्था अगर अवस्था है तो भोजन के पूर्व करना है या भोजन के बाद भी चलेगा? नहीं, पूर्व करना है, भोजन भी पूर्व करना है। हाँ, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही कृश है, बहुत ही दुर्बल है, व्याधि पीड़ित।